सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आ चुके हैं फ्री फायर के फिर से एक न्यू वीडियो में। तो गाइज फ्री फायर में आ चुका है एक न्यू इवेंट जिसका नाम है वन शूट वन प्राइस। तो गाइज ये भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको न्यू जो भी अपडेट है वो भी बताऊंगा क्या क्या आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हाँ कमेंट अपना प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले चलते हैं अपने शाउट आउट विनर के तरफ। तो आज के शाउट आउट विनर है गाइज कैमरा पर्सनालिटी व्लॉग्स, तो बिग शाउट आउट इनको। तो गाइज आपको भी शाउट आउट विनर बनना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस लाइक कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन प्रेस कर देना है, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले हो और कमेंट कर देना, बस हो गया आप हमारे शाउट आउट विनर बन जाओगे। तो गाइज अब चलते हैं न्यू इवेंट की तरफ चलते हैं। तो गाइज देखिए ये एक एनिमेशन हो रहा है, क्या भाई राइफल आ गया। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है शूट 50 डायमंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ स्पिन करना पड़ेगा गाइज, शूट करना पड़ेगा यहाँ पर टैप करके, बट मेरे पास डायमंड नहीं है तो नहीं करूँगा। तो यहाँ देख सकते हो आपको देखने को मिल जा रहा है कि बहुत सारे प्राइस देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो एक बंडल है गाइज, बाकी हेयर है, मास्क है, बहुत सारे चीज़ मिल जा रहा है। तो गाइज इसमें से आपको कुछ फंसेगा गाइज, मतलब आप एक शूट किया आपको कुछ भी फंस सकता है, तो वो आपके लक के ऊपर है आपका ये फंस गया बंडल। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो आपने थंबनेल में देखा कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक ये है कि गाइज आपको एक न्यू करेक्टर ले लेना है जिसका नाम है आपको पता है एडम चाचा जी, उसको ले लेना है और जाके एक फुल फ्लैश क्लासिक खेल के आना, उसके बाद आपको शूट करना है। आई थिंक 3 या 4 में फंसे जाएगा, लेकिन आपके पास डायमंड होना चाहिए बिकॉज बिना डायमंड के गरीना कुछ देता भी नहीं और ना देगा। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग के जो न्यू अपडेट की तरफ है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा न्यू अपडेट में क्या क्या आएगा, तो चलिए उसके तरफ। सो गाइज आप लोग को पता ही होगा कि गोल्ड रॉयल में आ चुका है एक ये वाला, मतलब आ गया होगा एक बंडल, तो उसका फीमेल जो बंडल है आपको देखने को मिल जाएगा। FF जो रिवॉर्ड होता है उसको एक्सचेंज करके आप ले सकते हो, वो भी आ चुका है गाइज। तो फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल में। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे सुंदर वाला फीमेल का बटरफ्लाई वाला बंडल आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट डायमंड रॉयल में। तो भाई लोग रेडी रहना डायमंड खर्च करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइज ये वाला बंडल। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जो थाईलैंड सर्वर में आ चुका है गाइज। गाइज 4 बंडल आपको देखने को मिल जाएंगे आई थिंक वेम्प में। तो गाइज पहले आपको देखने को मिल जा रहा है ये हंगर वाला बंडल जो एकदम मस्त है, इसका जो हेयर है वो बहुत मुझे पसंद आया गाइज, तो आप लोग ले लेना गाइज। वेब में आएगा कुछ, मतलब डायमंड का इवेंट आएगा गाइज। सो गाइज नेक्स्ट है आपका यहाँ बंगाल टाइगर जैसा कुछ, मतलब पीछे देखने को मिल जा रहा है गाइज, बहुत ओपी वाला देखने को मिल जा रहा है। तो ये शायद ये वेब में ही आएगा, वेब इवेंट में ही आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है ये गाइज ये वाला बंगाल टाइगर, जो भी कपड़ा है बहुत सुंदर सुंडल है, आई थिंक आपको इसमें डायमंड खर्च करना चाहिए। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हो पिंक पैंथर वाला बंडल आपको देखने को मिल जा रहा है जो थाईलैंड सर्वर में है। तो ये ग्लोबली निकला जाएगा, जो भी मैं बंडल बता रहा हूँ 4 बंडल जो भी बताऊंगा वो आपको पूरा ग्लोबली देखने को मिलेगा। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पैंथर आपको देखने को मिल जा रहा है पिंक पैंथर, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइज। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भुया कपड़ा के भुया बंडल के बारे में। तो गाइज देख सकते हो यहाँ बंडल दिख रहा है और उसके पीछे लिखा हुआ है भुया गाइज, तो ओपी वाला बंडल लग रहा है, पे आपको जरूर से डायमंड खर्च करने चाहिए गाइस। तो खर्च करोगे तो अच्छा बंडल है गाइस, बहुत प्रिटी है गाइस, बहुत मस्त। सो गाइस नेक्स्ट बंडल आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर कौन सा, बहुत पुराना बंडल है गाइस, मतलब पुराना जैसा कपड़ा लग रहा है गाइस, तो मुझे बहुत खास पसंद नहीं आया, बट मुझे वो पिंक पैंथर और वो जो भुया वाला टी शर्ट तो बहुत मस्त लगा गाइस, ये सब बहुत अच्छा किया है। अगर ये आ जाए वेब इवेंट में तो बहुत अच्छा है, मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा आपको ये चारों इवेंट में डायमंड खर्च करने चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैन के इवेंट की तरफ। जो पैन का जो स्किन था गाइज तरबूजा जैसा था गाइज, मैं तो इसको तरबूज जैसा बोलता हूँ। तो गाइज ये जो इवेंट था आपको रमदान इवेंट में देखने को मिल जाता, लेकिन ये देखने को नहीं मिला, तो ये आपका नेक्स्ट आएगा टॉपअप डायमंड टॉपअप इवेंट में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगस्त और जुलाई का एलाइट पास की तरफ। तो गाइज मेरे पास इंट्रो है जो मतलब वीडियो चलता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये है गाइज आपका जुलाई का एलाइट पास का।
तो गाइज ये था जुलाई के एलाइट पास का क्या बोलते हैं वीडियो, जो ट्रेलर होता है वो है गाइज। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो बहुत यूनिक कॉस्ट्यूम देखने को मिल जा रहा है गाइज, और साथ ही साथ यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक का भी जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। तो गाइज अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगस्त के एलाइट पास की तरफ। तो एलाइट पास का ट्रेलर आप लोग देख लीजिए। तो गाइज ये था हम लोग का अगस्त का एलाइट पास गाइज। तो इधर अगस्त का एलाइट पास में आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर खटाना का स्किन, साथ साथ आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ लेम्बर गिन्नी का स्किन गाइज। तो ओपी वाला इवेंट था गाइज, ओपी वाला एलाइट पास आने वाला है अगस्त और जुलाई का। तो बस यहीं तक की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन प्रेस कर देना और अपना फेवरेट कमेंट बता देना, फर्स्ट होना कि अगले वीडियो में आप शाउट आउट विनर बन पाओ। सो गाइस कल मैं आऊंगा लाइव गाइस 4 बजे, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाना मेरे लाइव स्ट्रीम में और चिल लाइव स्ट्रीम करेंगे गाइस। रोड टू 150 सब्सक्राइबर्स का होगा, तो अभी जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, 150 सब्सक्राइबर के पास पहुंचा दूं। तो सी यू इन माय नेक्स्ट।